उस साहिब को याद कर दिन सौंझ बनाई रे, देखत ही हो जाएगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूंक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा, जब तेरी मृत्यु होगी उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा, कुछ भी नहीं। आज तो फूला समा रहा, फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड में ना मेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक सेकंड के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर कहां गर्वियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा क्या घर क्या परदेश, का जन्मे का पाड़े पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहां खंडेंगे आड़। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितने प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुगु और यहां कति, हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी। काल ने एक बार तो असर हो सा इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुक्ति होगी। और घंटे दो घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमन डट कर करे, फिर भक्ति भक्ति बढ़ती जाएगी ना आपकी, सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी, फिर यो ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा, जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति, फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रहकर आने से जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है, और उसका विकल्प है जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है, हमारे ऊपर जो प्रभाव है तीन गुणों का, रजगुण, गरमा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिवजी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है आप उसकी रेंज में है तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है, उसको बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई समझ लो, एसी लग गया साथ में। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है, जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे।